Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अन्ना के ध्येयवाद से भी हट गए, अन्ना हजारे के मूल्यों से भी हट गए और अन्ना हजारे के पद से भी हट गए, ऐसे ये सब लोग हैं और इसलिए पथ भ्रष्ट नीति भ्रष्ट ऐसे लोगों के साथ आज दिल्ली का गुजारा हुआ है, 5 साल छल हुआ है। और इनको परसों एक कार्यक्रम उन्होंने किया, मुझे आश्चर्य लगा, आम आदमी पार्टी जानकर भी अनजान जैसे करती है। उन्होंने कहा कि सीए और एनआरसी अगर आएगा तो मनोज तिवारी को ही दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। एक तो एनआरसी आ नहीं रही है, कैबिनेट में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उस वो देश के नागरिकों को किसी का मुद्दा नहीं है। तो ये केजरीवाल यानी मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को केवल बाहरी नहीं समझती, अवैध घुसपैठी समझती है। ये इसका मुद्दा है कि वो उनके मन में है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग मेहनत करके दिल्ली को सजाने के लिए आए हैं उन लोगों को वो अवैध घुसपैठी समझते हैं। एक प्रोग्राम बीच में हुआ, एक स्पॉन्सर्ड अभी कार्यक्रम होते हैं तो स्पॉन्सर्ड एक टाउन हॉल था और टाउन हॉल में उन्होंने कहा कि ये सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, उससे देश के करोड़ों लोगों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को यहां से जाना पड़ेगा। अरे भाई पढ़ो तो सही, नागरिकता कानून का इस देश के 130 करोड़ नागरिकों का किसी की भी नागरिकता जाती नहीं, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आते हैं जिनको धार्मिक प्रताड़ना होती है, उस धार्मिक प्रताड़ना के शिकार जो लोग होते हैं उनको नागरिकता देने का कानून है, किसी का छीनने का कानून है ही नहीं। लेकिन जानबूझ के भ्रम फैलाना, जानबूझ के हिंसा को प्रोत्साहित करना, और इनके एमएलएस आज उम्मीदवार भी है और जो कॉर्पोरेटर्स है उन्होंने कैसे दिल्ली को आग लगाई और कैसे अशांति का और हिंसा का माहौल तैयार किया, ये दिल्ली ने देखा है। दिल्ली जाग उठी कि ये तो तोड़ देंगे समाज को। उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को अवैध घुसपैठी समझना और एक भ्रम पैदा करना कि देश के लाखों करोड़ों लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? देश के 130 करोड़ नागरिक इस देश के पुत्र है और इसी देश में रहेंगे, फूलेंगे और फलेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ।